पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं ही हूं डेयरडेविल। अब कैसा लग रहा है? मुझे बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, ये सब मैं समझता हूं। प्लीज अंदर आओ। थैंक्स। मुझे देख सकते हो? नहीं नहीं, मैं देख नहीं सकता। ये थोड़ा अलग है और देखने से बेहतर है। अलग कैसे? क्या बेहतर है? जैसे कि मैं तुमसे जुड़ी चीजें महसूस कर सकता हूं। अच्छा, पर कैसे? अब मैं इसे तुम्हें कैसे समझाऊं? कोशिश करो। यहां पर आते वक्त तुम रास्ते में एक जगह रुकी थी, हमारे फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट में, और मेरे ख्याल से पुराने वक्त को याद कर रही होगी, क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ ड्रिंक ली। तुम्हारे कपड़ों से करी की स्मेल आती है और लिप्स पर जेम्सन्स टेस्ट कर सकता हूं। जानता हूं ये सब सुनकर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। मैं तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं। ये बहुत गलत है। जानता हूं, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। तुम्हें गुस्सा होने का हक है। और हाँ, हक है। मुझे तुम पर गुस्सा होने का पूरा हक है। मैंने तुम्हें अपने लिए लड़ते हुए देखा, वो भी एक नहीं दो बार। मैं उसके सपने देखती थी, बार बार मेरे दिमाग में वो सीन चलता रहता था। मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ जिसने मेरी जान बचाई? क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसकी परवाह है और उसने तुम्हारा यकीन तो। मेरा साथ देना बंद करो, इससे बात और बिगड़ रही है। तुम कुछ पीना चाहोगी? और तुम समझ गए मैंने हाँ कहा। तो ये केन लेकर चलना, ये सब नाटक था? हाँ, सॉरी। क्यों? तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जज करूंगी? फ्रैंक को जज नहीं किया तो तुम्हें कैसे करती? देखो, वैसे फ्रैंक को तुम्हें जज करना चाहिए, क्योंकि वो एक किलर है और मैं नहीं हूं। हमें नहीं पता कौन किस वजह से क्या करता हाँ, है। हाँ, पर जब कोई झूठ बोलता है तो मैं समझ जाता हूं। उनकी धड़कन मुझे बताती है। और वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। उसे कहां रखते हो? क्लोजेट में, चेस्ट के अंदर। अब क्या करोगे? सब कुछ खत्म, बस अब क्या डेयरडेविल को भुला दूंगा और क्या। वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल। तुमने और फॉगी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तुम अल्कोहलिक हो, और मुझे सही भी लगा था। बातें छिपाना, सोशल और प्रोफेशनल काम ना कर पाना, मुझे लगा था तुम एडिक्टेड हो। लेकिन ऐसा अगर ऐसा है तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? पता नहीं तुम अभी सच बोल रहे हो या झूठ। अब मुझे डेयरडेविल की जरूरत नहीं है। मैं वो जिंदगी जीना नहीं चाहता। यकीन तो करना चाहती हूं। पर मुझे नहीं लगता कि डेयरडेविल